बस्तर के इस गांव में सामाजिक सहभागिता से स्वच्छता की अलख जगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले के 342 की आबादी वाले तुरठा पंचायत के ग्रामीण सामूहिक सहभागिता से स्वच्छता की अलख जगाकर स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। दुनिया की चकाचौंध से दूर इस गांव में नई पीढ़ी को भविष्य की चिंता इस कदर है कि स्वच्छता और जल संरक्षण की दिशा में यहां कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। यहां स्वच्छता को लेकर जो मुहिम चल रही है वह अपने आप में अनूठी है। पूरे गांव के लोग मिलकर गांव की सफाई करते हैं। स्वच्छता के संकल्प के साथ उन्होंने अपने गांव की कायाकल्प कर दी है। हर रविवार गांव के प्रत्येक घर से एक व्यक्ति हाथों में झाड़ू लेकर गली मोहल्लों की सफाई करता है। खुले में शौच की प्रथा रोकने के लिए काम करने पर 600 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस नियम के चलते अब पूरे गांव में लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव के सार्वजनिक हैंडपंपों के पास जल संरक्षण के लिए टंकियां बनाई जा रही हैं। वहीं ग्रामीण महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी कराया जा रहा है। यहां के सरपंच सामदेर गावड़े बताते हैं कि सार्वजनिक शौचालय के लिए बांस का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा श्रमदान करके बांस का शौचालय बनाकर युवतियों और महिलाओं को बेहतर माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है। शौचालय का जो उपयोग कर रहे हैं, शौचालय कैसे उपयोग कर रहे हैं और शौचालय और जल संरक्षण की दिशा में आप लोगों की क्या प्रयास है, थोड़ा उस पर भी बताइए। जल संकट का समस्या यह है कि जैसे हैंडपंप से पानी जो बह जाता है, फालतू हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको रोकने के लिए सोखता गड्ढा बनाने का अभी चालू किए हैं। एक गड्ढा पूर्ण हो गया है, जो फालतू बहने वाला जो पानी है वो नीचे जाके फिर से वो दोबारा हम और नल से उसको उपयोग कर सकते हैं। और जो युवतियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए हम जो शौचालय जो बना रहे हैं बांस का, उसके पीछे आप लोगों की क्या सोच है? उसके पीछे हमारा सोच ये है कि जैसे नल में हो जाता है कि कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो वो वाला काम आ जाए, इसलिए हम लोग बांस का बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। जो सरकारी योजना था उसमें पूर्ण नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग बांस का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शौचालय में प्रत्येक घर में उन्होंने शौचालय बनाया है और उसके बाद वहाँ पर साफ सफाई है, ये सारे काम कर रहे हैं। और स्कूल में इतना उन्होंने अच्छा किया हुआ है कि एक मतलब जिले के लिए एक मिसाल सा साबित हो गया है, क्योंकि साफ सफाई, टॉयलेट और वहाँ के जो स्कूल के बोर्ड है, शिक्षक हैं, सारे अच्छे से काम कर रहे हैं और अच्छे से ग्राम वाले वहाँ पर मिलजुल के साफ सफाई सारा कुछ अच्छे करते हैं। इस तरह से बस्तर के इस गांव ने जो स्वच्छता के लिए कदम उठाया है वो सच में काबिले तारीफ है।